सुल्तानपुर में शहर से जीप से घर जा रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र की एक छात्रा लखनऊ में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। शुक्रवार को लखनऊ से घर आने के लिए वो चारबाग रेलवे स्टेशन से हिमगिरी एक्सप्रेस पर सवार हुई। करीब 7:45 पर जब वो सुल्तानपुर जंक्शन पहुंची तो उसकी सूचना अपने परिवारजनों को दी। रोडवेज बस स्टेशन पहुंचने के बाद घर आने के लिए वो सवारी ढूंढ रही थी। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा कि उसकी मैजिक उसके घर तक जा रही है। छात्रा विश्वास कर उसके साथ मैजिक पर बैठने गई तो अनजान व्यक्ति ने बताया कि मैजिक खराब है, अब हम बुलेरो जीप से चलेंगे। छात्रा जब जीप के पास पहुंची तो उसमें चालक समेत 4 लोग बैठे थे। छात्रा परिजनों को जीप से घर पहुंचने की सूचना देते हुए उस पर सवार हो गई। जिला मुख्यालय से चलने के बाद जीप में बैठे 2 अज्ञात व्यक्ति रास्ते में ही अपने गंतव्य स्थल पर उतर गए। उसके बाद जीप चालक के साथ केवल एक अनजान व्यक्ति ही जीप में बचा। छात्रा ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने छात्रा के मोबाइल से चालक से बात की तो उसने छात्रा को घर तक छोड़ देने का आश्वासन दिया। पीड़ित छात्रा के मुताबिक लखनऊ बलिया राजमार्ग पर चालक ने उसका फोन छीन कर स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी कर चालक और अनजान व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद आरोपी उसे जयसिंहपुर कोतवाली से लगभग 200 मीटर की दूरी पर रात 10:30 नहर की पटरी पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। जाते समय छात्रा का मोबाइल लौटा दिया। पीड़ित छात्रा ने मोबाइल ऑन कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजन छात्रा को लेकर कोतवाली पहुंचे। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा गया है। सुल्तानपुर से 9:44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 News Channel।